पिछले एक वीक से सोच रहा हूँ कि आज व्लॉग बनाऊंगा, आज व्लॉग बनाऊंगा, आज व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन हमेशा देर कर देता हूँ। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. हेलो जी, मेरा बड़ा सिंपल सा नाम है जो कि है खालिद। अब तक तो तुम लोगों को याद भी हो गया होगा। अब तुम लोगों का सवाल ये बनता है और लाजमी बनता है कि जब पिछले हफ्ते से तुम व्लॉग नहीं कर रहे थे तो आखिर कर क्या रहे थे। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बड़ी मेहनत का काम कर रहा था भाई, कोई आसान काम थोड़ी है। बड़ी मेहनत का काम कर रहा था, जैसे कि पंखा घूमते हुए देखना, जैसे कि मोबाइल यूज करते हुए मीम देखकर हंसना, गुड हो गया जी, गुड हो गया, गुड हो गया। एक्टिंग के बाद शर्म जैसे कि राहत इंदौरी, जॉन एलिया, जावेद अख्तर, गालिब, इनकी शेरो शायरी सुनना। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चराग़ों को सितारा कर। बहुत अच्छा, ये अगर इस तरीके से आप शुरू से सुनते तो अब तक तो मैं शायरी पढ़ना शुरू कर देता। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चराग़ों को सितारा करके, चंद मिट्टी के चराग़ों को सितारा करके मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आग लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आग लगे, चांद को छत पे बुला लो मैं इशारा कर। फिर इन सब की शायरी सुनने के बाद अपनी डायरी में कुछ अपना लिख दे रहा। व्लॉग बनाने के लिए तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, या तो तुम्हारी बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हो, सही है, ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग हो तो तुम टिक जाओगे। दूसरी चीज, यू आर ऑलवेज विद टू और थ्री गर्ल्स और तीन चार लड़कों के साथ, जिन सबको इस चीज का शौक हो, लाइक वीडियोज बनाना, व्लॉगिंग वगैरह, इन सबका तो तुम चलते रहोगे, तुम्हारा काम चलता रहेगा, वो भी बनाते रहेंगे, तुम भी बनाते रहो। लेकिन अब बात आ जाती है लेकिन पर। अब देखो, अब हो गया वन टू वन टॉक, अब बात आ जाती है लेकिन पर। इस लड़के की जिंदगी में इतने से थे हम, इतने से इतने बड़े हो गए, लेकिन इस चीज, इन दोनों चीजों की कमी है ना। मेरी जिंदगी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है,
और ना मेरे पास कोई ऐसा सर्कल है, अल्लाह माफ करे मेरे पास तो ऐसा फ्रेंड सर्कल है कि अगर वो बोलते रहेंगे ना, जैसे बोलते बोलते उनके मुंह पर अगर कैमरा खुल दो तो वो चुप हो जाएंगे भाई। तो ऐसे सर्कल में रहने के बाद और इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है मेरी। फिर भी अब देखो तुम्हें तालियां बजानी होंगी, खड़े होंगे, फिर भी इस लड़के ने यहाँ पर 2 साल निकाल दिए भाई, खड़े होकर तालियां बजाओ, मुझे नहीं पता तालियां बजाओ, मैं रुका हूँ, मैं बात ही नहीं करूंगा। और अगर बात की जाए लड़की की तो अब तुम्हें हम क्या बताएं, बस वो 2 लाइनें कुछ इस तरह लिखी थी कि सीखा सब रोड पे और सोता था फर्शों पे, बहुत है किताबों वाले किस्से बताऊंगा बड़े मौके पे। तो बस ये जिसे पता है ना उसे पता है। अगर अभी तुम मुझसे ये सवाल करते हो कि क्या अब से 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ गया 3 दिन छोड़ गए व्लॉग आया करेगा भाई, तो प्रोबेबली मेरा जवाब तो यही होगा। साले जब से तेरा धोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5,034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5,034 रुपए किस बात के लिए? इसकी भावना करने के लिए? अभी भी मैं तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए आया हूँ, लाइक ये बताने के लिए कि लड़का जिंदा है, ये चैनल जिंदा है, व्लॉग आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये मैंने तुम्हें बता दिया, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। और बाकी बचा देते हैं कि आखिरी बात कहनी है कि अक्सर जब मैं लिखता हूँ तो बड़ा आगे पीछे करके लिख देता हूँ, लाइक कभी कोई कॉपी में लिख दिया, कभी इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो कैप्शन में लिखा हुआ छोड़ दिया, कभी अपने फोन में लिख लिया, तो बड़ा आगे पीछे हुआ हुआ था सब। तो उसके लिए क्या किया, सॉल्यूशन हर बात का मेरे पास, मैंने ले ली एक डायरी, अब जो भी शुरू से अब तक मेरी जमा पूंजी जो भी मैंने लिखा है वो सब इस डायरी के अंदर है, और आगे भी जो मैं लिखूंगा वो इस डायरी में ही लिखूंगा। और इस डायरी के ऊपर लाइक ये किताब ही कहलाई तो इसके ऊपर भी 2 लाइनें लिखी हैं, अर्ज करूंगा कि लिखा कुछ यूँ है कि खुलेगी किताब तो सवालात उठेंगे, अहमियत ना देने वाले भी ज़रा झुकेंगे, यहाँ कर दो माइक ड्रॉप, ख्याल रखो अपना, मुझे दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।